सीबीआई, यह है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। यह हिंदुस्तान के सबसे हाई प्रोफाइल मामलों की तहकीकात करती है। देश के बड़े बड़े घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। सीबीआई की तफ्तीश से स्वतंत्रता और निष्पक्षता की दुहाई दी जाती है। उसी सीबीआई में इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है। सीबीआई में छिड़ा गृह युद्ध सुर्खियों में छाया हुआ है। सीबीआई के 6 दशक के इतिहास में पहली बार सीबीआई में नंबर 1 और नंबर 2 के बीच लड़ाई छिड़ी है, और लड़ाई भी ऐसी जो सीबीआई हेडक्वार्टर के चैम्बर से निकलकर आम जनता की जुबान तक पहुंच गई है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच की तनातनी की गूंज कानून की दहलीज से लेकर सियासत के गलियारों तक सुनाई दे रही है। अब तक सीबीआई के छापे जब देश के किसी कोने में पड़ते थे तो उसकी हेडलाइन बनती थी, लेकिन इस बार की हेडलाइन तो अजीबोगरीब थी। सारा देश उस वक्त हैरान रह गया जब सीबीआई ने सीबीआई पर ही छापा मारा, यानी सीबीआई की टीम ने अपने ही दफ्तर पर रेड मारा, अपने एक डीएसपी को अरेस्ट कर लिया। अब तक सीबीआई जिन मामलों में जांच करती थी उसकी रिपोर्ट और चार्जशीट वो अदालत में रखती थी, लेकिन पहली बार सीबीआई के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि वो अपने लिए इंसाफ मांग सके। सीबीआई के इतिहास में पहली बार आधी रात के वक्त इस जांच एजेंसी के दोनों सबसे बड़े अफसरों को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया गया। अब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी कंपनी, दफ्तर या घर को सील कर देती थी, लेकिन पहली बार ऐसी खबर आई कि सीबीआई के दफ्तर की 2 मंजिलों को सील करने का आदेश दिया गया है। हालांकि बाद में इसे खोल दिया गया। यह पहला मौका है जब केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ और डिप्टी चीफ ने एक दूसरे पर घूस लेने का आरोप लगाया, और इनके आरोप प्रत्यारोप ने सीबीआई की साख पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस जांच एजेंसी के सबसे बड़े अफसर एक दूसरे पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाते हैं, उसकी जांच कितनी खरी और कितनी सच्ची होगी। सीबीआई के प्रमुख आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की आपसी जंग को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर हमले कर रहा है, जबकि सरकार सीबीआई की साख को बनाए रखने के लिए डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। टीम न्यूज नेशन। और इस बीच आलोक वर्मा जब अदालत में पहुंचे और अपनी दलीलों को सामने रखा तो सीबीआई भी सामने आई। सीबीआई के प्रवक्ता का बयान सामने आया जिसमें कहा कि जांच में कथित असहयोग पर टिप्पणी से इनकार किया है सीबीआई ने। आलोक वर्मा के तमाम आरोपों को लेकर राकेश अस्थाना पर लगे रिश्वतखोरी की जांच निष्पक्ष और तेज होगी, ये सीबीआई का दावा है। ये मामला जनहित से जुड़ा है, ये कहना है डीओपीटी का। डीओपीटी का ही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। डीओपीटी का ये सीधे तौर पर मानना है कि ये पूरा मामला सीबीआई की साख से जुड़ा है। तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच जंग छिड़ी है। सरकार ने इन दोनों टॉप अफसर को छुट्टी पर भेज दिया है। नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया है, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। दो टॉप अफसरों की महाभारत ने सीबीआई को कुरुक्षेत्र में बदल दिया। एक ऐसा कुरुक्षेत्र जहां कौन कौरव है और कौन पांडव, इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा, लेकिन फिलहाल ये दोनों युद्धरत अफसर रणभूमि से बाहर हो चुके हैं। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है। आलोक वर्मा को सरकार का यह फैसला इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी लगा दी। देखिए, डायरेक्टर सीबीआई की तरफ से ये उनका एवर्मेंट होगा कि भाई हमको 2 साल का आपने टेन्योर दिया है और 2 साल के पहले आप हमको नहीं हटा सकते हैं, और सरकार के पास ये होगा कि टेन्योर है, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और टेन्योर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर दोनों में फर्क होता है। सीबीआई डायरेक्टर इज अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, इसलिए सरकार को अपॉइंट करते समय 2 साल का टेन्योर देना है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां सरकार को लगे कि फंक्शनिंग सीबीआई के इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी पे कोई प्रॉब्लम है तो सरकार हमेशा इस तरह का कदम उठा सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो कहना कि हमको आप नहीं हटा सकते हैं वो गलत होगा। सरकार के पास जरूर कुछ मटीरियल ऐसा होगा जो शो करता होगा कि भाई इन दोनों के रहने से सीबीआई की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी बरकरार नहीं रह सकती है, तो इसलिए सरकार ने कदम मेरे ख्याल से उठाया। लेकिन जिस तरह इन दोनों को छुट्टी पर भेजा गया वो पूरा घटनाक्रम काफी असाधारण था। दरअसल नंबर 1 और 2 के बीच की जंग जब जग जाहिर हो गई और मामला सीबीआई की दहलीज से निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, तो सीबीआई के इस महासंकट को सुलझाने के लिए
कहानी में सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की एंट्री हुई। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इल्जाम एक मीट कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का है। इस आरोप में कितना सच है ये जांच का विषय है। आपको याद होगा दोनों अस्थाना और आलोक वर्मा के इंटेग्रिटी के बारे में पहले किसी ने सवाल या निशान नहीं उठाए थे और ये सडनली एकदम से ऐसा निकल के आ रहा है एज इफ कि दोनों आदमी गलत हैं या जैसे आप अस्थाना के खिलाफ कहा कि एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे थे, तो बहुत ही सीरियस मामला है। और गवर्नमेंट ने ये भी अच्छा किया है कि सारे अफसरों को बदल दिया है क्योंकि वो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इस तरह का केस जो बनाया गया है वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही है तो उसको अपने अंजाम तक ले भी जाना चाहिए। सीबीआई में छिड़े गृह युद्ध के बीच मंगलवार को सीवीसी हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केवी चौधरी के अलावा विजिलेंस कमिश्नर तेजेंद्र मोहन भसीन और शरद कुमार भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सीवीसी अधिकारियों की मीटिंग में यह तय किया गया कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर दोनों को उनके ओहदों से अलग रखा जाए, तभी तहकीकात ठीक तरीके से अंजाम तक पहुंच पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीवीसी ने 23 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे अपने इस प्रस्ताव की जानकारी सरकार को दी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद देर रात आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों को छुट्टी पर भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके साथ ही सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बना दिया गया। मेरे ख्याल से वो तो नहीं बनेगा बिकॉज छुट्टी पे भेजना और हटाना यहाँ पे बराबर ही माना जाएगा क्योंकि एक तरह से सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और हम लोग को ये बात कभी नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि हर इंस्टीट्यूशन सुप्रीम है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो सुप्रीम नहीं है। तो इसमें जिस तरह की अभी चल रही थी लास्ट 2-3 महीने से जिस तरह का चल रहा था सीबीआई का रवैया, उसमें एक इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी पे बहुत जबरदस्त सवालिया निशान उठ रहे थे और सीबीआई पर लोगों का भरोसा कैसे रहेगा अगर इतना सीरियस एलिगेशन बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2 के बीच में चलता रहेगा। इसके बाद इस पूरी कहानी में नया मोड़ आ गया। बताया जाता है कि अंतरिम निदेशक का पद संभालते ही रात करीब 1 बजे नागेश्वर राव सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। खबरों के मुताबिक वहां 10वें और 11वें फ्लोर को सील करने का आदेश दिया गया। इन मंजिलों पर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के दफ्तर थे। हालांकि 24 अक्टूबर की दोपहर में दोनों फ्लोर की सील खोल दी गई, लेकिन बाद में ये खबर भी आई कि सीबीआई मुख्यालय की मंजिलों को सील नहीं किया गया था। इस बीच आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद सीबीआई में हलचल तेज हो गई। इसकी एक बड़ी वजह थी नागेश्वर राव के चार्ज लेते ही कई बड़े अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई के डीएसपी एके बस्सी का ट्रांसफर करके पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। सीबीआई के एडिशनल एसपी एसएस ग्रूम को जबलपुर भेज दिया गया। इसके अलावा डीआईजी तरुण गौबा, डीआईजी जसबीर सिंह, डीआईजी अनीश प्रसाद, डीआईजी केआर चौरसिया और एसपी सतीश डागर का भी तबादला किया गया। इसके अलावा सीबीआई अधिकारी एसआई मनोहर, एके शर्मा और अमित कुमार का भी ट्रांसफर कर दिया गया या उनकी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। इनमें वो अधिकारी शामिल हैं जो स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने राकेश अस्थाना केस को फास्ट ट्रैक में भेजने का फैसला किया है। नागेश्वर राव ने इस पूरे मामले की जांच के लिए बनाई गई टीम में 3 नए अधिकारियों को शामिल किया है। इस टीम में एसपी सतीश डागर, ज्वाइंट डायरेक्टर वी मुरुगुशन और डीआईजी तरुण गौबा को शामिल किया गया है। टीम न्यूज नेशन। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविकांत राय बीजेपी मुख्यालय से, अरविंद सिंह सर्वोच्च अदालत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुमानुल्लाह खान सीबीआई मुख्यालय से और हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रुख धीरेन्द्र पुंडीर का। धीरेन्द्र, किस तरीके से आप देखते हैं सीबीआई के इस विवाद को, क्या वाकई चुनावी असर पड़ता दिखेगा ये मान लिया जाए? देखिए, ये काफ़ी बड़ा, अगर मैं कहूं कि सीबीआई की हिस्ट्री में और उनकी पूरी साख पर सवालिया निशान खड़ा कर देने वाला ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं था, इस पर अब केंद्र सरकार भी प्रभावित हो रही थी। अगर हम देखें, लगातार विपक्ष हमलावर होता चला गया और यहां तक कि जब अरेस्टिंग हुई और जो उसके स्पेशल डायरेक्टर हैं वो हाईकोर्ट पहुँच गए FIR को क्वेश करने में, तब आम आदमी भी सवाल खड़े कर रहा था। ऐसे में सरकार को एक ऐसा स्पष्ट फैसला लेना ही था जिससे कम से कम इस
एजेंसी को अपनी साख को वापस लेने में कुछ मदद मिल सके, और यहां तक कि विपक्ष जिस तरह से हमलावर हो रहा था उसकी धार को कुछ सरकार कुंद कर सके, ये एक बड़ा रहा। और अभी ये सवाल अभी खड़ा है सबके सामने कि ये जो शुरू हुआ इसका रिपरकशन क्या होगा, इसके क्या, इसके कितने गहरे परिणाम होंगे, और जो केस जिनकी जांच हुई है उन सब पर कहीं इसका गलत असर तो नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक तौर पर किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है? रविकांत राय, बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है विपक्ष के इन तमाम हमलों का जवाब देने के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से अरुण जेटली ने कहा कि आरोप दोनों ही ऑफिसर पर लगे हैं, सीबीआई के डायरेक्टर पर भी और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर पर भी। अगर ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों अपने पद पर रहते हैं तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती थी, इसलिए सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने ये सोच समझकर फैसला लिया कि दोनों ही अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा जाए और सीबीआई की साख का सवाल है, ऐसी स्थिति में सीबीआई की क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए इन दोनों ही अधिकारियों को अपने पद से हटना था, उनको छुट्टी पर भेजा गया। अब सीवीसी की निगरानी में जांच होगी, जो व्यक्ति गलत साबित होगा, जिसके ऊपर आरोप साबित होंगे उसको सजा मिलेगी। लेकिन अगर ये भी कहा गया है कि जो डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं अगर वो गलत होते हैं तो वो दोबारा उनकी वापसी भी हो सकती है, वापसी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। सीधा रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या मान लिया जाए कि सीबीआई विवाद का समाधान अब अदालत के रास्ते ही आना यह तय हो चुका है? बिल्कुल अनुराग, और दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला ये कि साल 1997 में विनीत नारायण का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा, और अगर सीबीआई डायरेक्टर का ट्रांसफर भी होता है तो जो सिलेक्शन पैनल है उसकी मंजूरी की जरूरत होगी। इस सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। उसके बाद साल 2013 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर एफिडेविट दायर किया और उसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार ने कहा कि अगर सीबीआई डायरेक्टर को हटाया जाएगा तो वो सिर्फ सीवीसी की शिकायत पर, जिसमें मिस बिहेवियर की शिकायत होगी सीबीआई डायरेक्टर की, उसके आधार पर सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो ऐसे सूरत में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सीबीआई का के बारे में सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है, तो इस कदम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिफाई करना सरकार कैसे देखती है, अदालत सरकार के इस फैसले को, यह भी देखना होगा। रुमान हमारे साथ जुड़े हुए सीबीआई मुख्यालय से। रुमान, सीवीसी अब जांच करेगी पूरे मामले की, जांच किन किन पहलुओं की होगी? देखिए बिल्कुल, जांच तमाम जो आरोप लगे हुए हैं, जो एफआईआर दर्ज हैं उसी पर होगी। हालांकि एक विशेष एसआईटी बनाई गई है राकेश अस्थाना के केस की जांच के लिए भी, पूरी जो टीम थी आईओ थे उन सबको चेंज कर दिया गया है। लेकिन सीबीआई मुख्यालय की मैं आपको बात करूं तो सीबीआई चीफ और स्पेशल अस्थाना जो डायरेक्टर थे वो फोर्स लीव पर जा चुके हैं, 13 अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई की जो ऑफ कैमरा ब्रीफिंग थी उसके अंदर यही दिखाने की कोशिश की गई कि सब कुछ रूटीन हुआ है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर हुआ है, जो फ्लोर सील करने की या फिर सर्च की बात थी उसको भी सीधे से खारिज किया गया। लेकिन एक अहम सवाल कि जो अंतरिम निदेशक सीबीआई क्या है नागेश्वर राव, वो क्या आलोक वर्मा के ही केबिन में बैठे हैं, इसका जवाब नहीं दिया गया। मतलब साफ है कि जो सीवीसी की जांच के बाद चूंकि जो फाइलें हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं वो उन्हीं कमरों में और उन्हीं फ्लोर्स पर मौजूद हैं, तो जाहिर है कि वो भी जांच का एक हिस्सा होंगे, और नई टीम अब किस तरीके से जांच करती है ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखना होगा कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है। लेकिन इस तरफ देखना यह भी होगा कि सियासी हमले किस तरीके से होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीबीआई के मुद्दे पर सरकार और कांग्रेस सामने सामने है। सरकार जहां सीबीआई में दो बड़े अफसरों को छुट्टी पर भेजे जाने को सही ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती और न करेगी। सीबीआई का जो एक्ट है उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स अधिकार है सेक्शन 4(1) में, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस इन रिलेशन टू इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस के संबंध में जो सुप्रिटेंडेंस का अधिकार है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है। हम ये सीधा आरोप लगाते हैं इस सरकार में, सत्तारूढ़ पार्टी पे बचने के लिए और अपने सब गलत कारनामों को भारत की
सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से करवाने के लिए आज असंवैधानिक रूप से सीबीआई डायरेक्टर को वस्तुतः हटाया गया है, यदि भी उसको कहते हैं फोर्स टू गो ऑन लीव, वस्तुतः सस्पेंड किया गया है, जो गैरकानूनी और असंवैधानिक है। इस पूरे विवाद के बीच मूल सवाल है कि आखिर सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति और उनके खिलाफ एक्शन को लेकर नियम क्या है। सीबीआई में मचे घमासान के बाद जांच एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा को सरकार ने छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया है। आलोक वर्मा ने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। उधर कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे विवाद के बीच मूल प्रश्न है कि आखिर नियमों के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, और अगर कभी सीबीआई डायरेक्टर को हटाने के हालात बनते हैं तो उसके लिए नियम कायदे तय किए गए हैं। देखिए, मेरे ख्याल से विनीत नारायण में ऐसा नहीं कहा है कि सरकार, इनफैक्ट विनीत नारायण में कहा है कि सरकार को कोई अगर एक्सट्रीम परिस्थिति उठेगी तो सरकार हटा सकता है। इसलिए हटाने में कोई, विनीत नारायण में ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जहां पर कि सीबीआई में के फंक्शनिंग में कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टर को नहीं हटाया जा सकता, ऐसा कोई जजमेंट में प्रोविजन नहीं। विशेष परिस्थितियों में ही सीबीआई डायरेक्टर को ट्रांसफर किया जा सकता है। सीबीआई डायरेक्टर के ट्रांसफर के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी जरूरी है। ट्रांसफर के लिए सीवीसी, गृह सचिव और कार्मिक विभाग के सचिव की भी सहमति लेना जरूरी है। कैसे होती है सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति? सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक सर्च कमेटी करती है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। पीएम इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। सीबीआई डायरेक्टर के चयन की प्रक्रिया की शुरुआत गृह मंत्रालय करता है। मंत्रालय देश के आईपीएस ऑफिसर्स में से ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करता है जो आपराधिक मामलों की जांच के मामलों में अनुभवी हो और उनका करियर बेदाग हो। ये लिस्ट कार्मिक विभाग के पास जाती है। कार्मिक विभाग अंतिम सूची तैयार करता है। ये सूची भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों की जांच में आईपीएस ऑफिसर्स की ईमानदारी, कुशलता और वरिष्ठता के पैमानों पर बनाई जाती है। इसके बाद सर्च कमेटी इस लिस्ट में शामिल नामों पर विचार करती है। सीबीआई के नए निदेशक के चयन के समय मौजूदा निदेशक की राय भी ली जाती है। सर्च कमेटी सर्वसम्मति से किसी नाम पर सहमत हो सकती है। यह ऐसा भी मुमकिन है कि समिति का कोई एक सदस्य अलग राय रखे। ऐसे में बहुमत से फैसला होता है। आखिरकार सर्च कमेटी जिस नाम पर मुहर लगाती है उसे सरकार सीबीआई निदेशक नियुक्त करती है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का मौजूदा नियम लोकपाल कानून के तहत बनाया गया है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे बढ़ने से पहले नजर खास खबरों पर।